चमकी चमकी। हाँ हो गया, चलो 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 फटाफट। मैं तो विराट को बोलती हूँ मारना बेटा। मारेगा क्यों नहीं, गए टाइम पर मारा था 121 तो अभी नहीं मारेगा क्या? ये जीतेगा। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप, मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। चलो नमकीन सब्जी बहुत खा ली, आज कुछ मीठा हो जावे। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बहुत ही पौष्टिक रहती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो चलो हम बनाते हैं साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए हमने लिए है 1 कटोरी भर के साबूदाना। उसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगा के रखा है। इसमें हमें चाहिए शक्कर। इसमें हमने लिए है 7 से 8 बादाम और इसमें हमने लिया है ये इलायची का पाउडर। मेन तो हमें चाहिए खीर बनाने के लिए दूध, तो ये हमने लिया है 1/2 लीटर दूध। तो चलो हम शुरू करते हैं खीर बनाना। खीर बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ली है। अब मैं गैस चालू करके कढ़ाई में दूध गर्म करने रखूंगी। हमने ये जो 1/2 लीटर दूध लिया है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने दूध गर्म करने को रख दिया है। जब भी दूध का उबला आएगा या उबलेगा दूध, तब हम इसमें डालेंगे साबूदाने। साबूदाने पक जाने के बाद शक्कर डालना है। तो पहले दूध तो उबलने दो, तो हम दूध उबालते हैं। अब हमारा दूध उबल रहा है। अब हमें इसमें डालने हैं ये साबूदाने, क्योंकि साबूदाने हमें पकाने हैं, तो हम इसमें डाल देते हैं ये साबूदाने। और अब हमें इसे हिलाना है। हमें ख्याल रखना है कि हमारा साबूदाना नीचे नहीं बैठ जावे। साबूदाना हमें अच्छी तरह ट्रांसपेरेंट होना मिलता है, यानी सफेद दिखना मिलता है। नहीं नहीं करीबन हमें 15 से 20 मिनट ये खीर पकाने को लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब हमारा साबूदाना अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है, आप देख रहे हैं। अब हमें इसमें डालनी है शक्कर। तो शक्कर हमें करीबन 7 से 8 चम्मच डालनी है। हाँ, हमने 7 चम्मच शक्कर डाल दी है। हमें इसको 5 मिनट तक वापस उबालना है।
और इसको खिलाते रहना है। देखा हमारी खीर घट हो रही है, हमें 100 गैस पे ही रहना है। अब हमें इसमें हमने जो ये बादाम काटी है ना वो डाल देनी है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। खीर की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ये खीर आप उपवास में भी खा सकते हैं। अगर आपको कभी दिल हुआ कि चलो आज खीर बना के खाना है तो आप उपवास में साबूदाने की खीर खा सकते हैं। इसमें हमारी शक्कर भी पिघल चुकी है और हमारी खीर भी तैयार हो गई है। तो चलो हम आपको सजा के साबूदाने की खीर दिखाते हैं। अब हमारी साबूदाने की खीर तैयार हो गई है, आप देख रहे हैं। लेकिन क्या करूं, मुझे डायबिटीज है, फिर भी खाने का तो दिल होता है, तो चलो 1 चम्मच चख लेती हूँ। बहुत अच्छी है, नहीं मीठी या नहीं मोड़ी, सुपर हो रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप जरूर बनाइए साबूदाने की खीर, और आप उपवास में भी खा सकते हैं तो आप जरूर बनाना। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सेव कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।